गाइस, कुछ दिन पहले मेरा फ़ोन अचानक से डेड हो गया था, पता नहीं कैसे। और लिटरली मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो रहा था कि ये फ़ोन बनेगा भी या फिर नहीं, क्योंकि मेरा सारा डाटा उसी फ़ोन में था। और पता है लास्ट में क्या हुआ? नहीं बना फ़ोन। बुरा लगता है भाई। अब बिना फ़ोन के तो मैं वीडियो बना नहीं सकता था, तो मुझे एक फ़ोन लेना पड़ा, और वो फ़ोन है सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। पर यही फ़ोन मैंने क्यों चुना, चलिए अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ। मैंने पहले ही अनबॉक्सिंग करके रखा है, क्योंकि मुझे इस फ़ोन को यूज़ किए बिना रहा नहीं गया। आखिर पैसे दिए तो मुझे यूज करना था और टेस्ट करना था कैसा है ये फ़ोन। आपको लगभग 16,000 के बीच में मिल जाएगा एंड आप कहीं भी इसको परचेज कर सकते हो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन स्टोर में भी। और इसे मैंने ऑफलाइन स्टोर में परचेज किया क्योंकि मुझे इंस्टेंट लेना था, मैं यहाँ पर डिलीवरी का वेट नहीं कर सकता था, और मुझे वहाँ पर टेस्ट करके भी देखना था, क्योंकि शॉप में कोई भी रिस्क नहीं होता, वहाँ पर आप ट्राई करके देख सकते हो, कोई भी परेशानी हो तो वहाँ पर डायरेक्टली आप रिप्लेस कर सकते हो फ़ोन को, रिटर्न करके दूसरा ले सकते हो, तो ये यहाँ पर बेनिफिट मिलता है, इसलिए मैंने ऑफलाइन लेने का सोचा। बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है इस वाले फ़ोन में, उसका चार्जर। आपको चार्जर बॉक्स के साथ नहीं मिलता, क्योंकि सैमसंग वाले से खा गए हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अब मेन मुद्दे पर आते हैं, मैंने ये फ़ोन ही क्यों लिया, क्या है ऐसा है इस वाले फ़ोन में जिसके चलते मैंने इस वाले फ़ोन को सिलेक्ट किया है, चलिए बताता हूँ। इसका पहला जो हाईलाइट पॉइंट है वो है इसका डिस्प्ले। क्यों? क्योंकि इसका डिस्प्ले जो है फुल एचडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, उसके साथ साथ इसमें 120 हर्ट्ज आपको रिफ्रेश रेट भी मिलता है, और जो प्लस पॉइंट है इसमें आपको 1000 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है। तो ये चीज़ें सैमसंग पहले नहीं देता था, बट अभी दे रहा है, और कोई भी फ़ोन के कंपैरिजन में अच्छा ही है सबसे, क्योंकि सुपर एमोलेड अभी बहुत ही कम फोन्स देते हैं, और ये सैमसंग का डिस्प्ले होता है तो सैमसंग अपने फ़ोन में यूज़ करता है। पहले बजट रेंज में ऐसा डिस्प्ले सैमसंग प्रोवाइड नहीं कराता था, बट अभी दिया है, इसके चलते मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्योंकि डिस्प्ले के मामले में बेटर है, टॉप क्लास है। इसका दूसरा जो हाईलाइट पॉइंट है वो है इसका सॉफ्टवेयर। इसका सॉफ्टवेयर बहुत ही मस्त है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सैमसंग का वन UI वर्जन देखने को मिलता है, जो कि 6.0 भी इसमें इंस्टॉल्ड है। और गाइस, इसमें सबसे बेस्ट जो बात है, आपको इसमें 4 साल का एंड्रॉयड अपडेट देखने को मिलेगा, मतलब अभी इसको, मतलब इस फ़ोन को लॉन्च किया गया था एंड्रॉयड 13 पर, बट इसमें आपको एंड्रॉयड 17 तक का अपडेट मिलेगा, जो कि बहुत ही बड़ा बात है, और कोई फ़ोन ऐसा प्रॉमिस नहीं करता है और नहीं प्रोवाइड कराता है। उसके साथ साथ इसमें आपको 5 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा, जो कि गाइस आप चलाते चलाते फ़ोन को बूढ़ा हो जाएगा, बट इस फ़ोन में अपडेट मिलते रहेंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब जो इसका मेन हाईलाइट पॉइंट है वो है इसका कैमरा। हाँ, मैंने कैमरे के चलते इस वाले फ़ोन को परचेज किया, क्योंकि इसमें कैमरा बहुत ही ज़्यादा टॉप क्लास का है, और आपको पता होगा सैमसंग का कैमरा बहुत ही मस्त आता है, और इसमें क्या ऐसा स्पेशल कैमरा, मैं चलिए बताता हूँ। तो इसमें आपको 50+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि रियर साइड में है। यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, इसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिलता है, और आप इस वाले फ़ोन से 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो विद OIS। एज गाइस, सैमसंग के फ़ोन में ऐसे ऐसे फीचर्स आपको पहले नहीं मिलता था, बट अभी मिल रहा है, और कोई भी फ़ोन के कंपैरिजन में अच्छा ही है, इसलिए मैंने इस वाले फ़ोन को चुना, क्योंकि कैमरा के मामले में बहुत ही मस्त है। उसके साथ साथ इसका जो सेकेंडरी कैमरा है वो है अल्ट्रा वाइड, और इसका अल्ट्रा वाइड बिल्कुल ट्रू अल्ट्रा वाइड है, 0.5x का, जो कि बहुत ही ज़्यादा वाइड एंगल कैप्चर करता है। क्वालिटी एंड डायनेमिक रेंज वगैरह बहुत ही अच्छा आता है। बाकी बाद में यहाँ पर कुछ सैंपल्स दे देता हूँ, आप देख लो इस वाले फ़ोन से कैसे वीडियोज या फिर कैसे फोटोज आते हैं। यहाँ पर मैं बेसिकली फोटोज ही दिखा सकता हूँ, क्योंकि वीडियोज अभी मैंने शूट नहीं किया है, आउटडोर जाना पड़ेगा, तब यहाँ पर मैं अच्छे से रिव्यू कर सकता हूँ। अगर आपको देखना है आउटडोर वीडियोज या फिर फोटोज का रिव्यू इस वाले फ़ोन का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं अपलोड करने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अब इसका फ्रंट कैमरा जो है वो है 13 मेगापिक्सल का, जो कि यहाँ पर आपको फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड करके दे देता है, और यहाँ पर आपको EIS मिलता है, जो कि थोड़ा सा आपको स्टेबलाइजेशन कर देता है वीडियो का, मतलब आप ब्लॉगिंग को भी यहाँ पर कर सकते हो, बट उतना अच्छे से स्टेबल नहीं करता है, लेकिन आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। बाकी बात सॉफ्टवेयर में तो अभी मिलता ही है, आपको मैनुअली करना आता होगा। एंड गाइस, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बस आपको शूटिंग करना है, बाकी बात काम आप कर लोगे एडिटिंग के जरिए, तो ये सब चीज़ें आप कर लोगे, बट पीछे आपको OIS मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छे से काम भी करता है। तो आप समझ गए होंगे कि इस वाले फ़ोन को मैंने क्यों लिया है, और क्या क्या इसमें फीचर्स आपको मिलते हैं, जो कि एक्स्ट्रा है सभी फ़ोनों से, और सभी फ़ोन से डिफरेंस को बनाता है। बाकी बात इसका डिज़ाइन आप देख सकते हो, यहाँ पर कुछ ऐसा है, आपको यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश मिलता है, जो कि बहुत ही यहाँ पर
साइन करता है गाइस, और यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स बहुत ही आसान से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप केस यूज करो, और इसका डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिनिमल सा मिलता है, मतलब जो क्लासिक डिज़ाइन होता है सैमसंग का, सेम टू सेम लेआउट है। एंड यहाँ पर आपको थोड़ा सा लगता है देखने में, आपको यहाँ पर कैमरे में फील ना हो, बट इसको जब आप अपने हैंड में पकड़ोगे गाइस, आपको डेफिनेटली फील होगा कि ये 20-25 हज़ार का फ़ोन है। और इसमें अगर मैं केस यूज़ कर लेता तो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रीमियम लगता है। मैं दिखाता हूँ अभी करके, मैंने यहाँ पर केस यूज़ कर लिया, देख लो अभी कैसा लग रहा है गाइस, कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि मिड रेंज फ़ोन है, बिल्कुल फ्लैक्सिप वाला फील देगा क्योंकि ऐसा कुछ लग रहा है। और गाइस इस वाले फ़ोन में बहुत ही कुछ टेस्ट भी करना बाकी है, अगर आपको सब कुछ जानना है इस वाले फ़ोन के बारे में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर मैं गेमिंग टेस्ट लाने वाला हूँ, आउटडोर कैमरा टेस्ट करने वाला हूँ, बैटरी ड्रेन एंड चार्जिंग का टेस्ट भी करने वाला हूँ, तो ये सब चीज़ें आने वाले इस वाले चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।